नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय केंद्रीय महामंत्री श्री सुधाकरन पन्नीकर दास, जिन्होंने अभी तक सफाई मजदूरों के लिए जो जो योजनाएं बनाई हैं, जो जो सहयोग दिए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं पन्नीकरन दास जी। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर पणिक्कर। मैं यह खुशी होता हूँ आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गए। शैक्षणिक पात्रता अनुसार कर्मचारी को सफाई, जो गंदगी से बाहर निकल रहा है, उसके लिए बहुत खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में मुझे दुख भी यह लगता है, हमारा दलित समाज, प्रथम वाल्मीकि समाज, उसके बाद बौद्ध समाज, उसके बाद मादंग समाज, और अब अभी 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 मुस्लिम बंगी लोग भी है। इसी तरह जो समाज काम करता है, हमारा माननीय पंतप्रधान जी, उनका जो घोषणा किया था, हम देशवासियों के लिए और मजदूरों के लिए और सैनिकों के लिए बहुत सारे योजना लाके हम उनका पुनर्विकास करेंगे। परंतु घोषणा हो गया, देश में दिल्ली में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र। जैसे नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा किया, जैसे राज्य में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, इन्होंने भी बहुत सारे योजना का घोषणा किया। दुख का बात है, अभी सफाई काम में किधर भी देखो ठेका पद्धति लाए, ठेका पद्धति लाके अधिकारियों का, मंत्रियों का खीस भरने का छोड़ के हमारे समाज को उसका लाभ नहीं मिलता। महाराष्ट्र शासन का जो परिपत्र क्या बोलते हैं, सफाई पेशे में जो कर्मचारी, जो समाज काम करता है, वो समाज को का उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर ठेका देता है तो वो समाज से जुड़ा हुआ जो समझता है उनको देना है, और ठेकेदार अगर वो जो काम करा कर लेता है, वही समाज के लोगों को उसमें प्राधान्य देना चाहिए। मैंने अभी दो चार नगर पालिका में विजिट दिया है, नगर पालिका में मैंने देखा है ठेकेदार है और कोई काश का है, और काम करने वाले और कोई काश का है, उसमें कोई दलित समाज का नहीं है, उसमें कोई मैतर वाल्मीकि समाज का नहीं है। और इसी तरह देश का अंदर, राज्यों का अंदर ज्यादा प्रमाण से ठेकेदारी लाके हमारा समाज का नुकसान कर रहे हैं। हमारा जो यंग सर्कल है, नवीन पीढ़ी है, उनका सर्वनाश करने का काम है अपना देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मैं आपका चैनल का जरिए से मैं सब तरुण पीढ़ियों से आह्वान करेगा, साथियों अभी कुंभकर्ण का नींद से उठो, जगो। आने वाला अभी अगर आप नहीं जगेगा, आने वाला काल बहुत बुरा रहेगा। हाँ, अपना हाथों से अपना हक अधिकार पूरा छीन कर लेगा। हाँ, मूल व्यासी है ये देश का, मूल व्यासी बोला तो हम लोग है, हम लोग तरुण एकजुट होके ये जो हमारा समाज के ऊपर होने वाला जो अन्याय है, ठेका पद्धति लाके, देखो ब्रिटिशों को भगाया अपन, देश स्वतंत्र हो गया करके बोल रहे, लोकशाही लाया। परंतु अभी ये ठेकेदार का रूप से विदेश का जो ठेकेदारी जो समझता है, विदेश से नरेंद्र मोदी विदेश में दौरा करके, अलग अलग कंट्री में दौरा करके, उधर का जो ठेकेदार को लेके हमारा सिर के ऊपर बिठा है, वापस वो मनुस्मृति ला रहे, वही गुलामगिरी है देश के अंदर ला रहे, ये बंद करना जरूरी है। इसके लिए सब लोग एकजुट होकर लड़ो, और एक साथ में आप आ जाइए, हम बिना मूल्य कोई आपत्ति न रह के आपका साथ में समाज के विकास के लिए, समाज का हर हक दिलाने के लिए हम दिन रात आपका साथ रहे। दूसरा दूसरा बात यह है,
हमने देखा है देश में, मैं खुद एक माजी सैनिक हूं, मैंने जब सेना में भर्ती हो गए, जब हम कसम खाते हैं अगर हमारे सामने हमारा माँ बाप की देशद्रोही बोल के खड़े रहेगा उसको भी फायरिंग करेंगे, उसको भी कदम करेंगे। आज हम देखा है हम देश का सेवा करता है, माननीय पंतप्रधान जी घोषणा करते हैं, आज आज के बाद जो भी जवान हाजिर हो माजिर हो, जो अगर टोल नाके भी मैं भी गया उधर खड़े रह के वो जवान को लोग सलाम करेंगे और उनको पूरा टैक्स मुक्त किया जाएगा, इसी तरीके घोषणा किया। परंतु ये जो टैका पद्धत अभी मैंने बताया, ये टैक लाके ये टोल नाका बना के वर्षानुवर्ष एक जगह बैठ के जो ठेकेदार का कीस भरने का काम कर रहे उधर, आपको मालूम नहीं रहेगा तो मैं मीडिया का माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो ये मेरे साथ जो गड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, वो टोल नाके के लोग क्या बोलता है, मैंने मेरा आइडेंटिटी कार्ड आर्मी का दिखाया, बोला नहीं 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 वो ये सब बंद हो गया है, अभी मोदी जी के राज है, ये सब पूरा जवानों को जो फैसिलिटी था काली घोषणा है अभी जी आ रहा है, पूरा ये बंद हो गया, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसके सिवा आपका गाड़ियां नहीं छोड़ेंगी। तो इसका मतलब मुझे समझाइए आप, जब ये हम लोग ये हम जवान लोग जो इंडियन आर्मी जब देश का कारगिल सर का ठिकानी हिमालय सर का ठिकानी हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं देश का जो रक्षण कर रहा है, इसके लिए आज मंत्री रहो देशवासी रहो ये सब आराम से हमारा बहन माँ बाप घर पे सो रहा है, अगर हम अगर एक दिन ड्यूटी करना बंद किया तुम जगना तुम्हारा पूरा सर्वनाश होगा, ये भी मोदी जी बोलो कोई भी रहे, आपको मेरा इशारा है आप देश या फौजी के बारे में माजी सैनिक रहो सैनिक के बारे में जो भी घोषणा करता है उसका पूरा का पूरा अमल करो, नहीं तो आने वाला काल पूरा देश का जो फौजी को एक साथ लेके जो हमको एक दिन राइफल हमारा बंदूक डाउन करना पड़ेगा, जब तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा घर पे बॉम्ब शूट होगा, तुम्हारा घर पे गोलीबार होगा, तुम्हारा माँ बहन का मौत होगा, जब तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, इसके लिए आप फौजी लोगों का बारे में जो भी परिपत्र निकालते है जान से आप याद रखिए, इस बात को याद रखे आप अमल बजोनी करे, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप अभी देखा आप लोग ने आजकल देखा है अभी टीवी के अंदर और आपका मीडिया के ऊपर अभी आपने देखा है भारत रत्न पुरस्कार किसको देना चाहिए, जो देश के लिए अपना बलिदान दिया उसको मरणोत्तर पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार देता है, देश के लिए लड़ा है उसको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। मैंने अभी परसों मीडिया में देखा है, अरे कविता गाया उसको पुरस्कार, गाना गाया उसको पुरस्कार, क्रिकेट का चंडू फेंका उसको पुरस्कार, अरे वो क्रिकेट पट्टू जो है उसको आपने भारत रत्न पुरस्कार दिया है, उसने जब मैदान का अंदर चंडू फेंका उसके लिए पैसा लिया है, पुकट में नहीं किया, करोड़ों रुपए वो चंडू फेंक के उसने घर पे लाया, आज उद्योगपति बनकर बैठा है, आपने वो क्रिकेट पटु को आप दे सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार, और एक अंदर कवि कविता माँ बोला तो उसको भारत रत्न पुरस्कार। अरे देखो आज हिंदुस्तान का अंदर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा भारत रत्न घटना का शिल्पहार है, उसके बाद उसको गुरु मान श्रीमान महात्मा फुले, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, आज मैं जो बोलता ना मेरे को जो हक दिलाया महात्मा फुले ने दिलाया, मेरा बीबी आज राजकारण में वो पढ़ा लिखा है, क्यों पढ़ा है, सावित्रीबाई फुले जैसे अगर यह देश का अंदर जन्म नहीं लेता था महात्मा फुले, अगर उसका पति नहीं होता था तो ये देश का अंदर मेरा जैसे मेरा बीबी के जैसे इंदिरा गांधी जैसे पंतप्रधान देश का नहीं होते थे, प्रतिभाताई पाटिल जैसे महिला ये देश का राष्ट्रपति नहीं बनते थे, ऐसे हजारों लोग आज देखो विमान अब हवाई में देखो हवाई अड्डा में देखो जो हवाई सुंदरी आज पढ़े लिखे महिला बारा है,
किसका देनी है? सावित्री फुले का देनी है। उनको भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए हम 15 साल से लड़ रहा है। ये देश का अंदर, ये राज्य का अंदर बहुत सारे विद्यापीठ था, उसको 2014 तक सावित्रीबाई फुले किंवा महात्मा फुले का नाम नहीं दिया। हमने लड़ाई किया 1996 से लेकर 2014 तक। वो लड़ाई के परिणाम ये हो गए, 9 अगस्त 2014 को पूना यूनिवर्सिटी को सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी ऐसा नामकरण किया। परंतु उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन दिया, माननीय अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को निवेदन दिया, हमारा जो ये काम आपने किया नामकरण का, दूसरा काम है भारत रत्न महात्मा फुले को देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने है हमको लिखित स्वरूप में पत्र दिया है, हमने ठहराव करके महाराष्ट्र शासन का तरफ से केंद्रीय शासन को हमने लेटर दिया है महात्मा फुले को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। मैंने अभी वो यादी का प्रदेश में था, मुझे ऐसे लगे ये अभी जो गया जनवरी में जो हो गया पुरस्कार, 24 जनवरी में किसी को दिया है पुरस्कार, उसी यादी के अंदर हमारा गुरु बाबा साहब अंबेडकर का गुरु, उन्होंने उसको गुरु माना है, बाबा साहब अंबेडकर गुरु जो क्रांति सूर्य महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये दंपति को भारत रत्न देगा ऐसे में सोच में था। पर बहुत दुख से कहना पड़ता है वो यादी के अंदर आरएसएस का जो पदाधिकारी था उनको भारत रत्न मिला, जो तुम्हारा व्यापारी था बहुत बड़ा बड़ा व्यापारी उसको पुरस्कार मिल रहा, क्रिकेट का चंडू पेंगर उसको पुरस्कार मिला, जो एकांत कविता बोला अच्छा उसको पुरस्कार मिला, हमारा महात्मा फुले का नाम नहीं। बहुत दुख का बात है, ये शर्म की बात है। भारत में रह के भारत का जो हिता चिंतक था, जो देश के लिए अपना पूरा जिंदगी समाज ने उनको बाली में डाले थे, जब सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ये दंपति ये जो लेडीज को महिलाओं के लिए जो स्कूल चालू किया पुणे का अंदर, और उनको गंदगी फेंक के उसको बाहर घूमना दगड़ से दगड़ मारते थे, वो हालत में उन लोगों ने फाइट करके पहले चिट्ठी का बना सावित्रीबाई फुले, वो महात्मा फुले ने उसको घर पे बिठा के उसको पढ़ाई कराया और उसको चिट्ठी का बनाया, उसने महात्मा सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल बनाया स्कूल पुणे का अंदर, वो उन्होंने महिला शिक्षण शुरू किया। तो भी आज ये देश का जो नेता है, ये देश का जो शासन करता है वो सोया हुआ है, उनको ये मेरा इशारा है, ये आपका ये जो काला धंधा बंद करे और जो देश के लिए कर लड़ा है उनके लिए पुरस्कार दे। इस आप ये शासन से भी और सब जनदों से भी विनती है, आप लोग सब एकजुट होके मेरा जैसे समाज के लिए और सच्चा कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई करें और देश के लिए लड़ाई करें और अपना हक मिलाने के लिए आप लोग सब एकजुट होकर लड़ाई करने का कोशिश करें, आपसे सबसे मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। ये थे माजी सैनिक और कामगार नेता श्री सुधाकरन पन्नीकर साहब। मैं ब्रजेश बड़गुजर, कैमरामैन अमजद शेख के साथ, पुणे, महाराष्ट्र।